in this question it is saying that if a man walks at the rate of 5 km per hour he misses a train by 7 minutes however if he walks at the rate of 6 km per hour he reaches the destination 5 minutes before the arrival of the train the distance covered by him to reach the station is देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है मान लो कोई ये पर्सन है ठीक है और ये यहाँ पे कोई स्टेशन है ठीक है अगर ये मैन फाइव किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है तो ये स्टेशन अपने स्टिपुलेटेड टाइम से सेवन मिनट लेट पहुंचता है ठीक है अपने स्टिपुलेटेड टाइम से ये सेवन मिनट लेट हो गया है और जिसके कारण इसको ट्रेन को मिस करना पड़ता है अब इसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लिया है अब अगर ये सिक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है तो स्टेशन अपने स्टिपुलेटेड टाइम से फाइव मिनट्स पहले ही पहुंच जाता है क्लियर है तो पूछ रहा है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा यह स्टेशन तक डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल करा है वो कितना है तो देखो एक चीज यहां पे बहुत ही इजीली विजिबल है वो क्या है कि जो डिस्टेंस है दोनों केस में जो डिस्टेंस इस मैन ने ट्रेवल करा है दोनों केस में वो क्या है constant है तो मैंने आपको बताया डिस्टेंस तो हम क्या लिखते हैं मिल जाता बच्चे से जा रहा था फाइव के स्पीड से और बाद में किस स्पीड से जा रहा है सिक्स के स्पीड से तो ये आपको मिल गया टाइम का रेशियो अब यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट केस में सेवन मिनट्स लेट था और सेकंड के केस में फाइव मिनट्स अर्ली है तो इन दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है ट्वेल्व मिनट का क्लियर है अगर आप T2 टू बाई टी का रेशियो देखोगे तो यहां पे फाइव और सिक्स के बीच में टाइम गैप कितना है वन मिनट का लेकिन आपको चाहिए टाइम गैप कितना ट्वेल्व मिनट तो आप क्या करोगे न्यूमिनेटर में भी ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में भी ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर दो सो so, आपको टाइम क्या मिलेगा सिक्सटी मिनट और डिवाइडेड बाई बच्चों अब देखो अगर ये फाइव के स्पीड से चलेगा स्लो स्पीड चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है टाइम कितना लेगा सेवेंटी टू मिनट ज्यादा टाइम चाहिए अगर फास्टर स्पीड से ट्रेवल करेगा तो इसको कम चाहिए तो कितना टाइम लेगा सिक्सटी मिनट ये क्लियर है बच्चों तो आपको डिस्टेंस पूछ रहा है सिक्सटी मिनट्स का टाइम है और सिक्स किलोमीटर पर आवर का स्पीड है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा सिंपली सिक्स किलोमीटर से सौ नो सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए